जालौर के कुंडली गांव में होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी को पहलवानी की परंपरा है। सैकड़ों साल से निभाई जा रही इस परंपरा के तहत करीब 800 किलो के पत्थर को उठाकर दूसरी तरफ गिराते हैं, जिससे पहलवानी साबित हो सके। बताया जाता है कि 200 साल पहले चूना पिसाई के लिए पत्थर लाया गया था, तभी से पहलवानी परखने की परंपरा शुरू हो गई। यहाँ 800 किलो वजन के इस पत्थर को लोग स्थानीय भाषा में घट कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस पत्थर को पलट देता है उसे पहलवान माना जाता है। तो इसमें पहलवान लोग होते हैं, वो ही उठा लेता है और इसमें 150-200 आदमी आते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कोई 100-150 में से 2-4 जने ही उठा सकते हैं। इसमें आसपास के गांव से हजारों लोग धुलंडी के दिन यहां आते हैं और पहलवानी साबित करने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हर साल 4-5 लोग इस पत्थर को पलटने में कामयाब होते हैं। जो भी व्यक्ति इस पत्थर को उठा लेता है उसे पहलवान माना जाता है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये पत्थर करीब 200 साल पहले यहां मंदिर, कुआं और टाका बनाने के लिए चूना पिसाई की चक्की के लिए लाया गया था, तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। ज्यादातर एक ही परिवार के सदस्य इसे पिछले 200 साल से उठा पा रहे हैं। ये पत्थरकुंड गांव के मोतीराम गोदारा का परिवार है। इस परिवार को सबसे ताकतवर माना जाता है। पिछले होली पर भी इसी परिवार के सबसे ज्यादा सदस्यों ने इस घट को उठाया था। कारण उल्टे है कि भाई लोग आवे होली के बारे में त्योहार है, जो को बेलवान है, जो को ताकतवान है, जो कोई ने उठा सके। अच्छा, कितना लोग आवे, कितना उठा सके इन्हें? आवे करीब करीब घना ही है। हाँ। पर कोई ऊंचा सके, कोई नहीं ऊंचे। अमूमन 4-5 लोग उठा सके। 10,000 कितना लोग उठा सके इन्हें? वो तो हंजू तो उठा ही सके कोनी ने। हाँ। पलटी खड़ा हुआ है, ताकतवान है, वो आदमी एक लो फोड़ सके। मैंने बहुत कोशिश की पर पत्थर बहुत वजनदार था, पर मेरा वो मैंने उठाने कोशिश उठा नहीं पाया। जो 200 में से 4-5 लोग थे वो उठा पाए। माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी होली के मौके पर आसपास के सैकड़ों युवा पहलवान बनने के लिए इस 800 किलो के पत्थर को उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस परंपरा को देखने के लिए भी कई लोग उमड़ेंगे। ईटीवी भारत के लिए जालौर के सांचौर से भजन लाल गोदारा की रिपोर्ट।